सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उर्फी ने भले ही अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्ट्रेस की थी, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान उनके अतरंगी कपड़ों की वजह से मिली। उर्फी सोशल मीडिया पर अपने अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं। हर बार उर्फी को इसी वजह से ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच उर्फी ने बताया कि वो 17 साल की उम्र में घर से क्यों भाग गई थी। उर्फी जावेद हाल ही में डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर 4 के मंच पर पहुंची। इस शो में उर्फी एक मज़ेदार थीम वाले एपिसोड उर्फी का चौका के लिए पहुंची। उर्फी अपकमिंग एपिसोड में नज़र आने वाली है। उर्फी शो में अपनी आने वाली सीरीज फॉलो कर लो यार का प्रमोशन करने पहुंचेंगी। यहां पर भी उर्फी ने अपना अतरंगी फैशन का रंग दिखा ही दिया। 17 साल की उम्र में घर से क्यों भाग गई थी उर्फी? इंडिया बेस्ट डांसर 4 शो में उर्फी जावेद शो के जज करिश्मा कपूर, गीता कपूर और टेरेंस लुइस के साथ ढेरों सारी बातें करेंगी। इसी दौरान गीता कपूर ने उर्फी से पूछा, जब आप अपने लिए एक मुकाम बनाना चाहती थीं जिसे आप आज सफलतापूर्वक हासिल कर पाई हैं, तो क्या आपको कभी अपने माता पिता को मनाना पड़ा, या फिर आप ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप एक ऐसा करना चाहती थी? इस पर उर्फी जावेद ने कहा कि मैं 17 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। मेरा परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था और फिर भी मैं भाग गई, इसलिए किसी को मनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर मैं और मेरी बहन हमारे परिवार के एकमात्र कमाने वाले बन गई। तब से मैंने बहुत कुछ देखा और अनुभव किया। उर्फी की बात सुनकर गीता उन्हें देखती रही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।